मेरी बात समझो, एक होता चने के झाड़ पे चढ़ा दिया मुझे गुस्सा आ गया जब मुझे पता चला कि मुझे चने के झाड़ पे अन्यथा चढ़ाया जा रहा है। दूसरा होता है जब मेरे आसपास के सगे संबंधी, रिश्तेदार, मेरे बाबा, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरा भाई, मेरी बहन, जो मुझे इंस्टिगेट करती हैं इस प्रकार के गुस्से में, दैट इज कॉल्ड एक्टिव। इसको कहते हैं एक्टिव। 90% केसेस में ये वाला गुस्सा है, 90% आप भी सुनो, 90% केसेस। 10% जो होता है स्वाभाविक होता है, नेचुरल टेंडेंसी, नेचुरल। मुझे खाना 10 मिनट लेट मिला, उसको कोई भी कारण, मैं कारण नहीं पूछा, मुझे खाना 10 मिनट लेट मिला, मैंने माफ नहीं कर दिया, मैंने प्लेट उठा के तोड़ दी, मेरे प्लेट उठा दी, मेरा बच्चा मार्क्स कम लाया, मुझे गुस्सा। मैंने उससे ये नहीं पूछा क्यों बेटा कम, तुमने मेहनत नहीं करी, मैंने ये नहीं पूछा, मुझे गुस्सा आ गया, स्वाभाविक मेरी नेचर है ऐसे, मुझे गुस्सा। मेरा काम मेरे हिसाब से नहीं हुआ, मुझे गुस्सा, यानी मैं चाहता हूं कि सब कुछ मेरे हिसाब से चले, यानी दुनिया मेरी दूरी को करना चाहिए। तो वो है पैसे, डायरेक्ट नहीं, कोई मुझे कह नहीं रहे, वो पैसे, वो ये, इससे आप पैदा हुए हो, बसर इस गुस्से से आप पैदा हुए हो, ये गुस्सा समाज के प्रति आपके आपके अंदर आया। दोनों को डील करने का तरीका फर्क होगा, फर्क होगा। लेट्स अंडरस्टैंड इसको डील करने का, लेट्स अंडरस्टैंड एक्टिव गुस्सा। एक्टिव गुस्सा आता है जब कोई थर्ड पार्टी आपको किसी बात के लिए गुस्सा करता है, किसी भी बात के लिए, एनीथिंग, इनक्लूडिंग एनी काइंड ऑफ सब्जेक्ट लाइन। सपोज सपोज हम एक उदाहरण लेते हैं, ऑफिस के अंदर, क्योंकि हम लोग एक ऑफिस में कार्य करते हैं, ऑफिस के अंदर हमें किसी बात के ऊपर गुस्सा आ गया है अपनी टीम मेंबर से। मेरी टीम में 6 लोग हैं, या जिस प्रकार आप लोग कंस्ट्रक्शन के लोग बैठे हैं, 20 लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के बैठे हुए हैं, और इन 20 लोगों में से ऐसा हो सकता है कि ग्रुप्स बने, 3 लोगों का एक ग्रुप बना हो, 5 लोगों का एक ग्रुप बना हो, 7 लोगों का एक ग्रुप बना हो, 2 लोगों का एक ग्रुप बना हो, ग्रुप्स बन जाते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि 20 के 20 लोग एक ही जगह खड़े हो, ये नहीं होता, ये नहीं होता, यही कोई नंबर्स वाला है, ये जो टेम्परामेंट है नंबर्स के ऊपर चल, करेक्ट, समझ गए आप लोग। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर इख्तियार है, ध्यान रखिएगा, यू कैन ओनली कंट्रोल योर सेल्फ एंड योर इमोशंस, नॉट अदर्स। दूसरे के ऊपर कोई इख्तियार नहीं है। दूसरे को अगर गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर, तो आप उस जगह से हट जाएं, या कोई आपको इंस्टिगेट कर रहा है किसी बात के लिए, तो आप गुस्सा ना हो, आप हट जाए। जब भी आपको गुस्सा आता है, स्टार्ट काउंटिंग 10, 10 तक गिनना शुरू करिए। जब भी गुस्सा आए, जब भी सांस लीजिए, गिनना शुरू करिए, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 90% केसेस में गुस्सा आ जाए। अगर नहीं आता, पानी पीजिए, बट नेवर रिएक्ट टू अ कंडीशन जहां पर उस व्यक्ति को आनंद है जो कि आपको उकसा रहा है। आप समझ रहे हैं, आधे लोग मजा लेते हैं, आप ये बात समझे। प्लान करेंगे 5 लोग कि ये जाके बाप अंकल जी को बोलना, या ऊपर जाके बोल दियो, जाओगे सिर्फ आप ये बात समझे। ये बहुत कुछ चलता है, दिस इज कॉल्ड ऑफिस पॉलिटिक्स, ये बहुत कुछ चलता है कि प्लान 5 लोग कर रहे हैं, यानी कल करेंगे, कल सुबह उठते ही यही काम कर रहे हैं, अगले दिन सुबह आएगा वही आक्रोश, सब में वही है, कहेंगे यार आप चले जाओ, तो हम चले तेरे साथ, चले बात करो सारे, नहीं अच्छा लगता 5 लोग हो गया। अब हुआ क्या कि जो व्यक्ति अंदर चला गया, जो चले यहाँ पे चढ़ चुका है, जो अंदर चला गया, उसने तो सबसे पहले मार सहली, मार मतलब जो भी कन्फ्रंटेशन हुई, जो भी सीनियर के साथ उसका वार्तालाप हुआ, जो भी विचार विमर्श हुआ, वो आपको गुस्सा दिला गया, उसने आपको डांट मार दी, क्या वो डांट अपने आप को आके खिलाई बार नहीं, तो गलती किसकी थी आप, क्योंकि आपको सिर्फ उन्हीं बातों पे इख्तियार होना चाहिए जिनका कंट्रोल आपके पास है, दूसरे के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है साहब। आप समझे, आप ये समझते हैं कि आपके बच्चे आपके कंट्रोल में रहते हैं, गलत सोचते हैं, गलत सोचते हैं। अगर आप ऐसे सोच रहे हैं, मैं एज अ फादर ये सोचता हूं कि मेरे बच्चे ठीक उसी प्रकार काम करेंगे जैसा मैं चाहूंगा, मैं जो बोलूं हाँ तो हाँ, मैं जो बोलूं ना तो ना, थप्पड़ मारेगा बच्चा, पागल है। ये हंसा भी इसका हुआ नहीं है, तब भी हंसा, क्योंकि पड़ोसन का तो है ना, कहानी दूसरी है, यहाँ दूसरी चल रही भैया, यहाँ दूसरी है प्रभु, यहाँ समझो, यहाँ दूसरी, हाँ यहाँ दूसरी चल रही, उसका दूसरा हिसाब किताब चलता है, छत पे खत्म होते जब वो सारी चल रही होती, तो वहां पर आपका उसके ऊपर इख्तियार नहीं है, उसके ऊपर तो कंट्रोल है ना,
आप उसको ये तो कह सकते हो भैया मैं अकेला क्यों जाऊं, दो तीन लोग तो चलो, ताकि ये पता चले कि सामूहिक बात है, एक बंदे की बात नहीं। बात तो अगर मैं चला गया तो ये कहेगा लीडर बन रहा है, ये चौधरी है, तू चौधरी है भाई, तूने सबका ठेका ले रखा है या तूने अपनी दरगाह से तेरे को मतलब है, आप तो छोड़े हुए चले गए अंदर जाके दो जूत भी पड़ गए आपको, आप बारह के कहोगे दो मारे उन्होंने कभी खा लो डेढ़ 100 ग्राम सबको खिला बोलोगे पैसे, आप तो चुपचाप आके बेवकूफ आके बन गए बस। क्यों होता है ऐसे यार, क्यों? Because you are being instigated into an active anger, which is wrong, which is wrong. आपको जब भी कोई गुस्सा दिला रहा है अपने ग्रुप में, आप अपने ग्रुप में ही उस गुस्से का निवारण ढूंढने का प्रयत्न करें। अच्छा ये बात हो गई, चलो 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 ठीक है, आप ही कहते हो मैं अंदर जाऊं, गलती किसकी थी ये बताओ। नहीं पहले किसने बोला था, पहले किसने बोला, इसने बोला, आप इतने क्यों बोल रहे हैं, क्या हुआ क्या, मुझे बता समझा दो जी। अगर उन्होंने अंदर पूछ लिया तो मैं क्या बोलूंगा, गुस्सा तेरे को आया ना सबसे पहले, तो साथ हो गए और तू अंदर नहीं जा रहा, मेरे को तू अंदर भेज दे, क्यों बता। ओके यार मेरे इतनी हिम्मत नहीं होती, तू चला जा रहा है, तू तो अच्छा बोल लेता। अरे अच्छे बोलने से बात थोड़ी हो रही है, बात गुस्से की हो रही है, थप्पड़ तेरे को पड़ा मुझे नहीं, आप बात समझ रहे हैं। बात समझ में आएंगे आपको, आपको तो करना भी है कोई फर्क नहीं, बाकी वो समझ में आ गई ना। दूसरा पैसिव, व्हाट इज द पैसिव, पैसिव इज एन इंट्यूशन, आपके अंदर ही है ये बात, जब तक कोई उसको बाहर नहीं निकला, जब तक कोई उसको बाहर नहीं निकला। आपको बैंगन का भरता अच्छा नहीं लगता और हर दूसरे दिन बैंगन का भरता बनता है, खाने पीस टीने अच्छे नहीं लगते, हर दूसरे दिन माँ आपको अच्छा लगता है तो माँ के लिए टीने बना दिए, मुझे नहीं पसंद, मुझे इस बात पे गुस्सा आता है कि मेरी प्लेट में टीटे क्यों आए। एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल, मैं जब ऑफिस से घर आता हूं, जब मैं कपड़े बदलकर बिस्तर पर लेट जाता हूं तो मुझसे कहा जाता है ब्रेड और दूध ला दे, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। मैंने हजार बार कहा है कि मुझे फोन करके बता दिया करो ताकि रास्ते से मैं लेता हुआ आऊं, एक बार मैं घर में प्रवेश कर गया, बाहर जाना मुझे आसान नहीं लगता, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो आप क्या कर रहे हैं, आप मेरे गुस्से को हवा दे, वो अंदर दबा दो, आप उसको हवा दे। आपने बात क्लियर कर रखी अपने घर में, नहीं आपने बात क्लियर कर रखी अपने दोस्तों में, नहीं आप तो यकीन हो आपका गुस्सा 80% सोने में 80% कम हो जाएगा। लोग कहते हैं सर ध्यान कैसे लगाया जाए, बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है, आप रोज कर सकते हैं। एक मोमबत्ती लीजिए घर में बैठ जाइए, जहाँ पे भी आप रिलैक्स, लेटना नहीं बैठना, बिस्तर पर बैठ जाइए कोई बात नहीं, एक मोमबत्ती ले लीजिए। लेकिन उस वक्त जब आप बैठेंगे 5 मिनट या 7 मिनट या 3 मिनट जितनी देर भी आप बैठ सकते हैं, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको वो मोमबत्ती जलानी है, कमरा जो जिस जगह आप बैठे वहाँ रोशनी नहीं होगी, सिर्फ मोमबत्ती की रोशनी, आप सिर्फ और सिर्फ उस लोगों को देखते रहेंगे। 5 मिनट देख सकते हैं देखिए, 3 मिनट देख सकते हैं देखिए, आपको ये एक्सरसाइज 15 दिन रेगुलरली करनी है, 15 डेज, जिसको भी गुस्सा ज्यादा आता है प्लीज समझ, 15 दिन रेगुलरली आपको ये एक्सरसाइज करनी है। आपको पहले 2 से 3 दिन आपका ध्यान नहीं लगेगा, कोई फर्क नहीं। आप उस लो को देखते रहेंगे, क्योंकि अगर हवा आ रही है तो लो हिलती रहेगी, अगर हवा नहीं आ रही तो लो बिल्कुल स्टेटिक रहेगी। आपको सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको लाल रंग दिखना शुरू होगा, रेड आपको उस लो में, उस लो में जो बत्ती जो फ्लेम जल रही है उसके अंदर रेड इज द कलर विच यू स्टार्ट सीइंग फॉर द फर्स्ट 2 डेज 3 डेज, डिपेंड करता है आपकी कंसंट्रेशन। उस वक्त मोबाइल वाइज कुछ नहीं है आपके हाथ में, कुछ नहीं, यानी कि ट्रन ट्रन बजे, हाँ भैया अरे वाह बाद में कभी ना था वाला रहा, एक मिनट उधर भेज रहे हो घर को धन देवा, दिस इज नॉट द वे टू कम्युनिकेशन। सॉरी उसको कोई बीवी नहीं, कोई बाप नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं, नोबडी, यू आर इनटू योर ओन। तीसरे से पांचवें दिन या एक हफ्ते के बाद आपको धीरे धीरे वो जो लाल है वो डिम होना शुरू हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, द कलर ऑफ रेड विल चेंज इनटू पिंक, थर्ड ब्लैक, ब्लैक कम्स ओनली आफ्टर 15 डेज, ब्लैक होना शुरू हो जाएगा, सब कुछ ब्लैक होना शुरू, और 15 दिनों के बाद आपको लो हल्की हल्की पीली दिखनी शुरू, देन देयर विल बी वन फाइनल डे दैट फ्लेम आपको सिर्फ और सिर्फ पीली नजर आएगी और कोई रंग नहीं नजर आएगा, ओनली येलो।